नमस्कार, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सविताज गार्डन में। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाली हूं। हम जो चाय पीते हैं, चाय पीकर हमें तो खुशी मिलती ही है, साथ ही साथ कोई दूसरा भी है जो हमारे चाय पीने से बेहद खुश होता है। जी हाँ, वो है हमारे पेड़ पौधे। जब हम चाय पीते हैं तो उन्हें हमसे भी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम जो चाय पीते हैं वो जो चाय पत्ती जो रह जाती है उससे जो खाद बनाया जाता है उससे हमारे पेड़ पौधे बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी खाद होती है कि उससे हमारे पेड़ पौधे खुश होकर अच्छे से फलने फूलने लगते हैं। चाय पत्ती की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल एक फ्री का और बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए होता है। चाय पत्ती के अंदर हम बात करें तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तीनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं। नाइट्रोजन 4% होता है, फॉस्फोरस लगभग 2.5% के करीब होता है और पोटाशियम भी लगभग 2.5% के करीब होता है। इसके अलावा भी इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रेस अमाउंट में इसके अंदर होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, हमारे पौधे के फलने फूलने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इससे पौधे में फल और फूल ज़्यादा आने लगते हैं। एक और चीज़ जो हमारी चाय पत्ती होती है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है टैनिन, जो पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे पौधे को देता है। चाय पत्ती की खाद हमारी मिट्टी की संरचना में भी सुधार लाती है, उसमें जो है एरिएशन को बढ़ा देती है ताकि जो हमारे पौधे की जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती है जिससे। तो इस तरीके से जो हमारी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है वो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक है। हमें हमेशा यूज़ की हुई चाय पत्ती की ही खाद अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। अगर वो पौधे को ज़्यादा अमाउंट में अगर मिलता है तो उससे हमारा पौधा जल भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए याद रखें कि हमें हमेशा इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को ही इस्तेमाल करना है, यानी कि जो हमारी वेस्ट चाय पत्ती है चाय बनाने के बाद, हमें उस चाय पत्ती को अपने पौधों में खाद की तरह इस्तेमाल करना है। अब बात करेंगे कि चाय पत्ती की खाद हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ये मेरे पास 3 अलग अलग स्टेजेस की चाय पत्ती है। ये देखिए, ये मैं चाय बनाती हूँ जब, तो मैं सारा एक साथ इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उसे 2-3 बार अच्छे से पानी में धोती हूँ। धोने के बाद मैं उसे एक ऐसे बर्तन में डाल के धूप में 3-4 दिन के लिए सुखा देती हूँ। उसके बाद सूखने के बाद देखिए, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है और अब इसे हम खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्लो रिलीजिंग खाद की तरह काम करती है। 12 से 14 इंच के गमले में हम ये 4 से 5 चम्मच जो है दे सकते हैं। किस तरीके से पौधे में डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप मुट्ठी के अंदाजे से भी दे सकते हैं, जैसे आधा मुट्ठी या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मुट्ठी हम एक बड़े गमले में दे सकते हैं और गमले के अनुसार हम इसे कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा नींबू का पौधा है जिस पर नींबू लगे हुए हैं और इसी में मैं आपको देकर दिखाती हूँ कि इसे कैसे डालना है। देखिए, इस तरीके से आप इसे डाल देंगे, चम्मच से भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी गुड़ाई करनी है। देखिए, इस तरीके से मिट्टी में से थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके हम छोड़ देंगे। ये एक स्लो रिलीजिंग खाद की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे हमारे पौधे को जो है अच्छा बना देगा और वो फलों और फूलों से भर जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, पौधा हरा भरा हो जाएगा।
हमें जो चाय पत्ती है उसे हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करना है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर हम शक्कर डालते हैं, चाय बनाते हैं तो शक्कर डालते हैं, मीठा उसके अंदर होता है। और हम जैसे कुछ और भी ऐड, अदरक डाली उसके अंदर, और जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो हमें क्या करना है, धोने से क्या होगा, चीनी और जो दूध है वो निकल जाएगा। चीनी अगर उसके अंदर रहेगी तो चीनी मीठा अगर पौधे के अंदर ऐसे कैसे अगर हम सुखा के डाल देंगे तो चींटियां हमारे पौधे के ऊपर आ जाएंगी और हमारा पौधा जो है इससे पौधे को नुकसान होगा। और जैसे दूध का अगर पार्ट अगर रह जाता है तो वो भी धीरे धीरे जैसे सड़ता है तो उससे भी हमारे पौधे में फंगस जो है लग सकता है। तो इस तरह से कम 2 बार साफ पानी से चाय पत्ती को धोना है, उसके बाद उसे धूप में सुखाना है। और सुखाने के बाद हम उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं या हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तब हम उसे अपने पौधे को डालेंगे। डालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और ये खाद अगर हमने एक बार डाल दिया है तो हम उसे 1 या 1.5 महीने में दोबारा पौधे के लिए जो है डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग होती है, धीरे धीरे गलती सड़ती है, धीरे धीरे रिलीज होके हमारे पौधे को लंबे टाइम तक मिलती रहती है। अब इसके नुकसान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर ज़्यादा अमाउंट में इसे हम यूज़ कर लेते हैं तो इससे हमारा पौधा मर सकता है। तो ये था इसका नुकसान और इसके फायदे, और ये था पूरा चाय पत्ती के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सविताज गार्डन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।